उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुमायूंपुर बूथ पर इस दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। वही कार्यक्रम का संचालन भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आशू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर चर्चा की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, स्थानीय पार्षद राधेश्याम रावत, पूर्व पार्षद रंजुला रावत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंडल के मंडल गोरखनाथ मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सब सुकृति जी, महानगर की मंत्री पूर्व पार्षद आदरणीय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत करें। अब मैं महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने यहाँ के लोगों को, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है, 9 बजे से आप सभी लोग बैठ, ये कार्यक्रम 9 बजे से आयोजित था, मैं 1.5-2 घंटे विलम्ब से आया हूँ। मैं आप सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। सचमुच ये देश उन्हीं को याद करता है जो अपना जीवन समाज और देश के लिए जिन्होंने दिया है, जिनका पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित रहा है। 25 सितंबर 1916 जो पैदा हुए और मात्र 51 वर्ष की आयु में 11 फरवरी 1968 को साजिश के तहत जिनकी हत्या कर दी गई, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, बचपन में ही 3 वर्ष में उनकी माँ का साया उनसे उठ गया, 7-8 वर्ष में 7 वर्षों में पिता का साया उठ गया, नाना नानी पालते थे वो भी कुछ दिन बाद चले गए, एक बड़े भाई का सहारा था उनका भी एक दुखद अवसान हो गया। पूरे परिवार में इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी रहते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई में हर क्लास में प्रथम आए, चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक स्नातकोत्तर, हर क्लास में उस समय गुलामी के कालखंड में प्रथम आए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो प्रताड़ना दी जा रही थी, लोगों को जो के ऊपर अन्याय हो रहा था, इस पीड़ा को देखकर के उन्होंने व्रत लिया कि मैं शादी विवाह नहीं करूंगा और हम जो पीड़ित है उपेक्षित है भारत माता की संतान है उनके लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचारधारा को लेकर के काम किया, जिनके जिन्होंने पूरा जीवन जिस विचारधारा को लेकर जिया, उसी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में मनाती है और आज देश भर के सभी बूथों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। हुमायूंपुर में भी हम सब एक बूथ के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं समर्पण दिवस के कार्यक्रम में। क्या खास कार्यक्रम है आज का? आज के दिन पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में
यहाँ पर उनको याद करता है और कुछ न कुछ सहयोग भारतीय जनता पार्टी को देता है समर्पण दिवस के रूप में।